Now, speaking to NDTV's Barkhadat, Absar Alam, director of Aaj TV, a well-known broadcaster in Pakistan, said no derogatory remark was made by Nawaz Sharif against India's Prime Minister. The Pakistani journalist Hamid Mir, on whose phone report this entire controversy was based, has said on his Twitter page that Nawaz Sharif never said anything derogatory about Manmohan Singh. Now, is he dithering? What actually happened? I've given my version, but let's talk to another Pakistani editor, Absar Alam, who was present at the same meeting. We were all there together. हम सब वहीं बैठे थे. मैंने तो देहाती औरत सुना नहीं मनमोहन सिंह के बारे में. आपने सुना क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना. बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है. बल्कि आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये पूछा कि वो आपको इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा कि कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा शब्द बोला जाएगा जिससे दोनों मुल्कों के जो टॉक्स हो रही है वो माहौल खराब हो जाएगा. उनका कहने का मतलब था कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान को इतना व्हाइट हाउस में मुद्दा बनाया, वो पाकिस्तान से सीधा ही बात कर ले. जी बिल्कुल, ये उनका कि हम दोनों मुल्कों को आपस में बात करनी चाहिए, अपने मसाइल आपस में हल करने चाहिए. एक दूसरे की शिकायतें तीसरी जगह पे जाके करने से हमारे हालात ठीक नहीं होंगे. मैं फिर पूछूंगी कि हामिद मीर ने ऐसी फोन रिपोर्ट क्यों की आपके मुताबिक? अब तो वो विड्रॉ कर रहे हैं अपना कमेंट. देखिए, अब मुझे भी अभी मैसेज आया है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं. उन्होंने क्यों किया इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इज अ जेंटलमैन. उन्होंने कभी अपने किसी दुश्मन के बारे में जलसों में भी ऐसी बात नहीं की जो सियासी जलसे होते हैं. तो वहाँ तो बहुत अच्छे माहौल में बात आपके साथ कल हो रही थी, और उनकी अपनी फैमिली वहाँ बैठी हुई थी, वो किसी और अपनी बेगम के सामने वो ऐसा लफ्ज कैसे यूज कर सकते हैं कि देहाती औरत की तरह. उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और आपको इस पे जो किया जा रहा है मेरा ख्याल है कि अनफेयर है. थैंक यू अफसार आलम, बीइंग वेरी वेरी कैटेगोरिकल देयर दैट ही नेवर हर्ड द फ्रेज देहाती औरत यूज्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर बाय नवाज शरीफ.